हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे पाटन से अजय भाई का 3-4 बॉक्स आया था, तो उसमें वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो इसी एक बॉक्स का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम है, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आ रहा है दोस्तों, आवाज़ भी क्लियर आ रहा है, लेकिन इसका डिस्प्ले है वो शो नहीं हो रहा है। तो अभी हमें ये चेक करना है, आपको मैं चेक करवा के दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस टीवी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो तो पिक्चर आ रहा है। तो यहाँ पे देखूँ तो हमारा डिस्प्ले यहाँ पे सही करना है, क्योंकि डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले पेन ड्राइव से मैं इसमें इसका सॉफ्टवेयर करके देखता हूँ, जो पेन ड्राइव से हो जाएगा तो हमारा RT809 ऐप से हमें नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डम फाइल इसमें मैंने लगाया है, तो अभी यहाँ पे मैं इसे, तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा USB पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आ चुका है, और अभी मेनू बटन दबाऊंगा और अभी सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपग्रेड में चला जाता हूँ। और यहाँ से अभी फाइल पे और ओके, अभी एक बार ओके दबाना है। और यहाँ पे मैंने देखिए इसका मॉडल नंबर आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ जूम करके। तो यहाँ पे 7 7 0 इसका मॉडल नंबर है, TL TL। अभी शायद आपको TL 7 7 0 5 DV2 वर्जन का दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ेगा, तो इसका ये नंबर है। तो अभी दूसरा हमने ट्राई किया था लेकिन इसमें नहीं चढ़ रहा है। तो अभी एक बार इसका डाउनलोड किया है, तो अभी मैं ये वाला दम फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अभी यहाँ पे ओके करता हूँ और स्टार्ट पे ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारा इरेज दिखा रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं इसे हमारा ईप्रोम उतार के सॉफ्टवेयर करता हूँ। तो अभी फटाफट से ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से पेन ड्राइव को मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ। अभी दोस्तों धीरे से यहाँ पे रख देता हूँ। दोस्तों क्रोम IC को यहाँ पे मैंने उतर लिया है और अभी इसका मैं जो कंप्यूटर से इसको सॉफ्टवेयर करूँगा। तो अभी चलता हूँ, यहाँ पे हमारा जो केबल है वहाँ पे, पहले मैं IC को पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों RT809 ऐप को यहाँ पे मैं रन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैंने लाइट बुझा दी है कि हमारा जो यहाँ पे दिखता नहीं है अच्छी तरीके से, इसलिए। तो अभी यहाँ पे RT809 ऐप को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो अभी हमें पहले यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिटी पे दोस्तों क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पे IC देखिए डिटेक्ट हो गया है, और जो उसका नंबर है EN2523, 4 MB का IC है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ। तो IC तो हमारी यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलेगा सॉफ्टवेयर हमारा।
तो रेड क्यों करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आईसी सही है या नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पे रीड करते हैं। और कॉपी यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, तो हमें ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे पीसी में डी ड्राइव, एच ड्राइव, इसमें सॉफ्टवेयर है। तो अभी ये वाला फोल्डर नहीं, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने रखा है GX, यहाँ पे देख सकते हो 6605D। तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी राइट पे क्लिक कर देता हूँ, तो अभी ऑटो इरेज होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, इरेज होने के बाद हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर फिर से, पहले हमारी जो फ्लैश आईसी है उसमें जो क्रैक डेटा होता है वो निकलता है, और उसके बाद में यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा नया सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया है मैंने, वो अभी ले रहा है। तो अभी ये हो जाने देता हूँ, अभी ऑटो वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अभी ये भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। तो अभी यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर है ओके हो गया है, इसमें तो हमारी फ्लैश आईसी में ये सॉफ्टवेयर चढ़ गया है। तो दोस्तों इसे मैं फिर से अभी हमारा जो टेबल है रिपेयरिंग का, वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ पहले। तो अभी दोस्तों आईसी को हमने लगा लिया है और अभी थोड़ी देर में इसे ठंडा होने देता हूँ। अभी दोस्तों आईसी हमारा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अभी यहाँ पे हमारी डिस्प्ले आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए हमारा चैनल इसमें नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, नो टीवी प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी ऑटो स्कैन इसमें दोस्तों मुझे करना पड़ेगा, तो अभी ज़्यादा समय चला जाएगा। तो आपको हमें ये वाला हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा था डिस्प्ले, इसके ऊपर में वीडियो था, तो अभी हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।